Hello students, today we shall start chapter 11, The Human Eye and the Colorful World for class 10. In this chapter, we shall discuss the human eye and its defect. Although human eye ka jo topic hai beta, human eye aur isse related jo defects hain, causes hain, wo syllabus se hata diye gaye hain corona pandemic mein. लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा केवल ह्यूमन आई और ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट हैं उनको सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट किया गया है कोरोना पेंडेमिक की वजह से. बाकी और कुछ इस चैप्टर से डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए ह्यूमन आई के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में. ह्यूमन आई, ध्यान रखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ह्यूमन आई और इसके डिफेक्ट्स को सिलेबस से डिलीट किया गया है इस साल के लिए कोरोना पेंडेमिक में. लेकिन जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म है वो हमारे सिलेबस में है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म ये भी हमारे सिलेबस में है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हमारे सिलेबस में है, स्केटरिंग ऑफ लाइट भी हमारे सिलेबस में है. ठीक है, तो वो सारी डिस्कशन हम करेंगे. तो सबसे पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई हमारी आंख कैसी होती है इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, हम अभी तक इससे पहले वाले चैप्टर्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर चुके हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने बात की लेंस के जरिए कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. हमने नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज की बात की थी कि जब लेंस के कारण रिफ्रैक्शन होता है तो किस टाइप की इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी और किस रिलेटिव साइज की होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें हमने की थी. अब हम ये कैसे कहें, कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन दीज आइडियाज, ये जो आइडिया हैं जिसकी हेल्प से, जिसमें हमने नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज पता की थी, इन आइडियाज की हेल्प से हम कैसे ये पता कर पाए, ये कैसे हमें सहायता करते हैं ह्यूमन आई को स्टडी करने में, ये हम बात करेंगे. ठीक है, ह्यूमन आई हमें, ह्यूमन आई आप जानते हैं ये अलमाइटी का सबसे प्रीसियस गिफ्ट है, बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती. बिना आईज के कितना चैलेंजिंग लाइफ होता है हमारे अपने भाई बहनों के पास, जिसके पास ह्यूमन आई नहीं है, आई नहीं है, उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग है उसके बारे में आप सब ये सोच सकते हैं. तो ह्यूमन आई अलमाइटी के द्वारा दिया गया सबसे प्रीसियस गिफ्ट है जिसकी हेल्प से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं. इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में केवल आई आई की जो हेल्प करता है वह है लाइट, जैसे कि हम दिन के समय में देख पाते हैं लेकिन अंधेरे में नहीं देख पाते. ठीक है, तो लाइट जो है थिंग्स को इनेबल करता है देखने के लिए, जो भी हमारे चारों तरफ लाइट है. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की. देखिए, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे बाहर का हिस्सा जो दिखाई देता है, सबसे बाहर का जो हिस्सा दिखाई देता है जिसे आप क्या कहते हो, कॉर्निया, क्या कहते हो, कॉर्निया, कॉर्निया, जो किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, इसे आप कॉर्निया कहते हो. ठीक है, ये कॉर्निया होता है. कॉर्निया के बाद में यदि आप देखें तो यहां पर होता है इस टाइप से आयरिस होती है, क्या होती है, आयरिस होती है. कॉर्निया के बाद में ये क्या होती है बेटा, आयरिस होती है, ये आयरिस है, आयरिस. और यहां पर एक लिक्विड फील्ड होता है, यहां पर लिक्विड फील्ड होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं क्या, एक्वस, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये लिक्विड होता है. अब लाइट को इस आंख के अंदर जाना है तो इन आयरिस के बीच में, यहां मिडिल में, इस जगह, ये जो मिडिल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसे कहते हैं हम प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर करती है. ठीक है, ये जो होल होता है आयरिस में, इसे हम प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट एंटर करती है. और उसके बाद में सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं और उनसे अटैच्ड जो है सिलेरी मसल्स होती हैं,
और उन मसल से जुड़ा हुआ रहता है ये क्रिस्टलाइन लेंस। क्या जुड़ा हुआ रहता है? क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये जो है यहाँ पर ये है, और इस टाइप से एक स्क्रीन होता है जिसको आप रेटिना कहते हो, और रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है। ऑप्टिक नर्व के जरिए, ऑप्टिक नर्व के जरिए जो भी इमेज बनता है उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है, और ब्रेन फाइनली हमें ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है आपका, ये पूरा स्क्रीन है बेटा आपका, इसे हम क्या नाम देते हैं? रेटिना। जिस तरीके से बिना स्क्रीन के फोटोग्राफ को डेवलप नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना स्क्रीन के हम आंख में इमेज को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये सीलियरी मसल्स हैं। सीलियरी मसल्स जो होती हैं बेटा, इनकी एक्टिवनेस जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हमारी खुद की कमियां होती हैं, जो केयरलेसनेस होती है, उसकी वजह से भी जो सीलियरी मसल्स हैं इनकी एक्टिवनेस कम होती जाती है, और हमें हमारी आंख के अंदर जो है डिफेक्ट आते चले जाते हैं। तो आंखों की देखभाल करना आपकी, हमारी सबकी अपनी अपनी आंखों की देखभाल करना जिम्मेदारी है। यहां पर भी एक लिक्विड फील्ड होता है जिस जो आईबॉल की साइज को मेंटेन रखता है, उसको हम कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? वाइट्रस ह्यूमर। ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि बेसिकली कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। हमारी जो आई है ये इस कलरफुल वर्ल्ड को हम इससे देख पाते हैं, क्योंकि जो भी हम सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज बनेगा हमारी आंख के अंदर, जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, उस पेड़ का इमेज जो यहाँ रेटिना पर बनेगा वो उल्टा बनेगा, लेकिन वो हमें सीधा दिखाई देता है, क्योंकि जो इमेज उल्टी बन रही है रेटिना पर उसको सीधा करने का काम किसका है? ब्रेन का। ब्रेन जो इंटरसेप्ट करके, डिकोड करके जो हमें बताता है, वो वैसा ही ऑब्जेक्ट बताएगा, उसी कलर का बताएगा, उसी डिस्टेंस पर बताएगा जितना जिस कलर का वो है और जिस शेप का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रेटिना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन है आपका, जहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। और इमेज को डिकोड करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ऑप्टिक नर्व के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन को जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक टर्म आपको ध्यान रखनी होगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसको हम अकोमोडेट करते हैं। जब कोई गेस्ट आता है हमारे घर में तो उनको हम क्या करते हैं बेटा? अकोमोडेट करते हैं। जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके कैंपस में, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में जब कोई बाहर के बच्चे आ जाते हैं तो उनको डिफरेंट पार्ट्स में अकोमोडेट करते हैं कि वो लोग इस हॉस्टल में रहेंगे और इस समय खाना खाएंगे, तो उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अकोमोडेशन कहते हैं। वैसे ही आपके अंदर भी अकोमोडेशन होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी और एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी होता है किसका? ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके अंदर, जिसको आप क्या कह रहे हो? क्रिस्टलाइन लेंस भी कह रहे हो, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कौन करेगा? बाय सीलियरी मसल्स। बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के द्वारा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का जो एबिलिटी या कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो देखिए, कई जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं आंख के द्वारा तो फोकल लेंथ इंक्रीज करना होता है, और जब पास का ऑब्जेक्ट होता है तो फोकल लेंथ को डिक्रीज करना होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, कभी फोकल लेंथ को बढ़ाना, कभी फोकल लेंथ को कम करना, ये पूरा एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है?
सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। सिलियरी मसल्स का जो एडजस्टमेंट है किसका, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट, किसकी फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का। सो इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के द्वारा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी और कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट इज द एबिलिटी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में आप चाहें तो, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी कैपेसिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस बाय बाय सिलियरी मसल्स, बाय सिलियरी मसल्स। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी पावर ऑफ अकोमोडेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक टर्म जो और आपको ध्यान रखनी होगी वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या जिसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट, या जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए इन शब्दों का मीनिंग समझिए तो आपको नियर पॉइंट की डेफिनेशन पता चल जाएगी। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, विजन मतलब देखना, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ये आप जानते ही हो। ठीक है, तो नियर पॉइंट यानी पास का पॉइंट, यानी कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज अप टू विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली क्लियरली। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज अप टू विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, मतलब जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन को मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, तो इस पेन को मैं मेरी आंखों के पास में ले जाता हूं, तो इतनी जब मेरे आंखों से इस पेन की डिस्टेंस है बेटा, तो मैं इस पेन को एकदम क्लियर देख पा रहा हूं। यदि इससे कम डिस्टेंस करूंगा इस पेन की मेरी आंखों से, तो मैं इस पेन को क्लियर नहीं देख पाऊंगा। तो इस पेन की मेरी आंखों से जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिस मिनिमम डिस्टेंस तक इस पेन को मैं मेरी आंखों के द्वारा क्लियर देख सकता हूं, वो मेरी आंखों का क्या होगा, नियर पॉइंट कहलाएगा, यानी मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा क्लियर देखने का, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाएगा। जो नॉर्मल ह्यूमन आईज होती हैं, नॉर्मल ह्यूमन आईज के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल ह्यूमन आईज का मतलब जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, 6x6 जो है, ठीक है, विदाउट एनी डिफेक्ट, जो नॉर्मल का मतलब हो गया जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो नॉर्मल ह्यूमन आईज का जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर होता है, और नियर पॉइंट को नॉर्मली हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बुक्स में स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा ये सिंबल है नियर पॉइंट का, और ये नॉर्मल ह्यूमन आइज के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये एक बात हुई नियर पॉइंट की। एक होता है बेटा फार पॉइंट, क्या होता है फार पॉइंट, फार पॉइंट की यदि हम बात करें तो फार पॉइंट यानी दूर, कितना दूर तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं, तो फार पॉइंट तो जो है इन्फिनिटी होगा, फार पॉइंट जो होगा आइज का वो कैसे कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अननोन डिस्टेंस होगा, हमारी आंखें कितनी दूरी तक देख सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को कितना दूरी तक क्लियर देख सकती है, ये जो फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी होता है, कितना होता है इन्फिनिटी होता है। अब एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा कि जो नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट हमारी एज के साथ बढ़ता रहता है, ठीक है, एज के साथ बढ़ता रहता है।
जो यंग एडल्ट होता है, जिसका नॉर्मल विजन होता है बेटा, यंग एडल्ट जिसका नॉर्मल विजन है यानी जिसकी आईज नॉर्मल है, उसका नियर पॉइंट अभी मैंने बताया 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये नियर पॉइंट जो है चेंज हो जाता है, एक यदि हम बात करें कि जो बच्चा होता है 6 से 7 साल का जो बच्चा होता है, उसका नियर पॉइंट यदि हम देखें तो लगभग जो नियर पॉइंट है उसका 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन जब हम 60 साल की एज में पहुंच जाते हैं, 60 साल के बुढ़े जब हो जाएंगे, तो हमारा नियर पॉइंट ये बढ़ करके 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जो नियर पॉइंट है हमारी आंखों का, वो 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे ये नियर पॉइंट जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, तो कई बार वो प्रिंटेड पेज को, अखबारों को जो है आंखों के काफी क्लोज ले जा करके देखते हैं। ठीक है, तो उनका जो नियर पॉइंट है उसमें चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नियर पॉइंट जो है एज के साथ चेंज होता है, और ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी केयर करते हैं अपनी आंखों का। अब देखिए, अब आंखों के अंदर कुछ डिफेक्ट होते हैं बेटा। डिफेक्ट की यदि मैं बात करूं, डिफेक्ट में सबसे पहला जो डिफेक्ट है, एक कैटारैक्ट होता है। कैटारैक्ट में क्या होता है, व्हाइटिस कलर का लिक्विड जो है डिपोजिट हो जाता है, व्हाइटिस कलर लिक्विड और फ्लूइड कह दो आप उसको, व्हाइटिस कलर फ्लूइड इज डिपोजिटेड। ठीक है, इज डिपोजिटेड इन फ्रंट ऑफ लेंस, इज डिपोजिटेड इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो उससे क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस जब व्हाइटिस कलर का लिक्विड डिपोजिट हो जाएगा, तो उससे हमें जो है ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जब व्हाइटिस कलर का लिक्विड आगे लेयर जमा हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमें जो है क्लियर दिखाई नहीं दे सकता। अब ऐसा भी होता है, यदि हमने ध्यान नहीं दिया और ये व्हाइटिस कलर का लिक्विड जो है फैलता चला गया, बढ़ता चला गया, और यदि इसने जो लेंस है उसको पूरा कवर कर लिया, तो हम जो है हमें ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यदि हम केयरलेसनेस दिखाएंगे, यदि हम सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमें देखना भी एकदम बंद हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कैटारैक्ट को जो है हम किससे ठीक करवा सकते हैं, सर्जरी की हेल्प से इसे ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको व्हाइटिस कलर बोलो या मिल्की मिल्की कलर बोल सकते हो, दूध के जैसे रंग का, ठीक है, मिल्की कलर बोल सकते हो। तो ये ओल्ड एज में ज्यादातर होता है, तो ओल्ड एज में जब हो जाता है तो इसे हम कैटारैक्ट कहते हैं। और कैटारैक्ट का जो कारण है, कैटारैक्ट की वजह से क्या होता है, कई बार हम पार्शियल या कंप्लीट लॉस कर देते हैं विजन, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन कब हो जाएगा, जब हम सही समय पर इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और इसको जो है विजन को रिस्टोर करने के लिए, कैटारेक्ट यदि हो गया है और विजन लॉस हो गया है, तो टू रिस्टोर विजन, ठीक है, कैटारेक्ट को हमें ठीक करवाना पड़ेगा। और तो हमें क्या करना होगा, टू रिस्टोर विजन कैटारेक्ट इज करेक्टेड, करेक्टेड का मतलब इसको ठीक किया जा सकता है, करेक्टेड बाय सर्जरी, सर्जरी के जरिए जो है इस डिफेक्ट को हटाया जा सकता है। सर्जरी सही समय रहते हुए सर्जरी यदि हम करवा लेते हैं, तो जो दिखाई देना है वो शुरू हो जाएगा दोबारा से, यदि हम कंप्लीट लॉस कर चुके हैं विजन का ये कैटारेक्ट के कारण। तो कैटारेक्ट को सर्जरी की हेल्प से ठीक किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी और डिफेक्ट आते हैं, और वो डिफेक्ट होते हैं, जैसे एक होता है मायोपिया। क्या होता है बेटा? मायोपिया, मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक डिफेक्ट होता है। मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में
जो हमारी आईज है मायोपिया में, देखिए इसमें जैसा नाम है ना वैसा काम नहीं होता। देखिए ये नियर साइटेडनेस है, लेकिन पास का क्लियर दिखाई देता है और दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली हमारी दिखाई देते हैं। नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन क्लियरली, नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली क्लियरली, वेयर एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियरली और डिस्टिंक्टली, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देखे जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली नहीं देखा जा सकता। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है मायोपिया में, यदि मैं मायोपिक आई का रे डायग्राम बनाऊं, एक ऐसी आंख का रे डायग्राम बनाऊं जिसमें मायोपिया है, उसे हम कहते हैं मायोपिक आई। मायोपिया में क्या होता है बेटा, इस तरीके से जब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे लाइट रेज आएंगी, ठीक है, पैरेलल आएंगी इंफिनिटी से, तो इस तरीके से आएंगे पैरेलल लाइट रेज आएंगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यदि इस आंख में मायोपिया होता है तो उस केस में ये लाइट रेज को यही फोकस कर देगा, यही फोकस कर देगा, यानी बिफोर रेटिना फोकस कर देगा और इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। यानी ये क्यों हुआ होगा, बिफोर रेटिना फोकस कर रहा है, तो इसके जो कॉजेज आपको यहाँ पर पॉसिबल कॉजेज हैं, वो नंबर वन हो सकता है कि इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, जो कन्वर्जेंस पावर, इंक्रीज्ड कन्वर्जेंस पावर ऑफ लेंस, लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, यानी कन्वर्ज करने की पावर बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, दूसरा फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज्ड फोकल लेंथ कम हो गया, डिक्रीज्ड फोकल लेंथ का कम हो जाना। ठीक है, और जो साइज है आई बॉल का साइज जो है बड़ा हो जाना, आई बॉल का साइज क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। जब आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज्ड साइज ऑफ आई बॉल, इंक्रीज्ड, या फिर कहें इलोंगेशन, इलोंगेशन कह सकते हैं, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई वॉल। ठीक है, आई वॉल की साइज का बढ़ जाना, इंक्रीज्ड साइज ऑफ आई वॉल या आई वॉल की साइज का बढ़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो तीन कारण मैंने लिखे ये पॉसिबल कॉजेज हैं मायोपिया के। तो ये तीन कॉजेज मैंने आपको बताए, ये तीन कॉजेज मैंने आपको बताए जिसके कारण मायोपिया होता है। अब देखिए इससे आपको समझ रहा हो, यदि आप रिमूव करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं मायोपिया को, तो आपको जो कन्वर्जिंग पावर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, टू करेक्ट, आर्टिफिशियली करेक्ट कर सकते हैं बेटा, टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया वी यूज ए डाइवर्जिंग लेंस, है या नहीं? डाइवर्जिंग लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो बढ़ गई है। डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, यानी कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं इस मायोपिया को ठीक करने के लिए। आर्टिफिशियली करेक्ट करना है मायोपिया को तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो बढ़ गई है, तो उसे डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है ही, और यहाँ चश्मा पहन लेंगे, ये कॉनकेव लेंस का चश्मा पहन लेंगे, और जब कॉनकेव लेंस का चश्मा हम पहन लेंगे तो इस तरीके से जो लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी पर, जो ऑब्जेक्ट है वो जो लाइट रेज आ रही है, ये क्या करेगा, अब लाइट जो भी इमेज बनेगा उसको कहाँ फोकस करेगा, अब रेटिना पर फोकस करेगा, रेटिना पर इमेज फोकस हो जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कॉनकेव लेंस की हेल्प से।
ठीक है, और क्या कारण है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस वजह से मायोपिया होता है। अब दूसरा जो डिफेक्ट है, दूसरा जो, एक दो डिफेक्ट हो गए, अब तीसरे डिफेक्ट की हम बात करेंगे। तीसरा जो डिफेक्ट आंखों के अंदर आता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फार फार या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। फार और लॉन्ग साइटेडनेस कह सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। देखिए क्या होता है, इसमें जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट वो तो क्लियर देख नहीं सकते। नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, वेयर एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट यानी फारथेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस और फारथेस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन क्लियरली, फारथेस्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, यदि मैं हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम बनाऊं, हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम बनाऊं, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो बहुत कम हो जाएगी, और बहुत कम होने से ये जो इमेज बनाएगा वो बिहाइंड द रेटिना बनाएगा, यानी कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से ये इमेज को रेटिना पर फोकस नहीं करेगा, इमेज को बिहाइंड द रेटिना फोकस करता है। तो इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। एक ऐसी आई है, ये एक ऐसी आई का रे डायग्राम है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसे हाइपरमेट्रोपिक आई कह देते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं इसके करेक्शन की, करेक्शन से भी पहले यदि मैं कॉजेज की बात करूं, तो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, जैसे नंबर 1, कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना, उसमें बढ़ गई थी मायोपिया में, तो यहां कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई है, डिक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर, डिक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग पावर का कम होना। दूसरा, कन्वर्जिंग पावर तो कम हो गई है, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज्ड फोकल लेंथ, इंक्रीज्ड फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ठीक है। और तीसरा जो है वो है डिक्रीज्ड या कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की साइज का कम हो जाना, आई बॉल की साइज का क्या हो जाना, कम हो जाना, ये सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। अब इसको डिफेक्ट को करेक्ट करना है, टू करेक्ट इट, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हो, इस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए वी यूज ए कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों यूज करना है, क्योंकि जो आंख के अंदर लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, इसलिए उसको प्रॉपर करना है, तो आपको कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनोगे, ये लीजिए, ये आंख जिसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन आपने चश्मा पहन लिया ये कॉन्वेक्स लेंस का, और फिर आप यदि ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फारथेस्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नियरेस्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि जो अब इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, रेटिना पर होगा। तो ये करेक्टेड आई का रे डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया बेटा, करेक्टेड आई हो गया, एक ऐसी आई जिसमें से हाइपरमेट्रोपिया को आर्टिफिशियली क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। एक होता है बेटा, एक होता है प्रेस बायोपिया, एक डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया, एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको ना तो पास का क्लियर दिखाई देता है और ना ही दूर का क्लियर दिखाई देता है, बोथ बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स,
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ठीक है, क्लियरली, क्योंकि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, ये प्रेसबायोपिया होता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम होती चले जाती है और जो नियर पॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है, इसलिए नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर कंफर्टेबली देख नहीं पाते हैं और बिना ग्लास के बिना चश्मे के नहीं देख पाते हैं। तो उस केस में जब हम कंफर्टेबली पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं तो उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, और ये जो है सिलियरी मसल्स की वीकनेस के कारण होता है। किसकी वीकनेस के कारण होता है? सिलियरी मसल्स की वीकनेस या जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की, उसके कम होने की वजह से होता है। एक पर्सन जो है जब प्रेस बायोपिया होता है तो उसको कई बार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं, और जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं तो इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करना होता है। बाईफोकल लेंस का यूज करना होता है यानी एक ऐसा लेंस जो कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों टाइप का होता है, यानी उसका कुछ हिस्सा कन्वर्जिंग का होता है और कुछ हिस्सा डाइवर्जिंग का भी होता है, ठीक है। इस टाइप के लेंस आपने देखे होंगे कुछ लोगों के लेंस में, जैसे ये लेंस है तो इसमें इतना हिस्सा जो होता है ना लेंस का वो अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें एक पोर्शन कॉन्वेक्स होता है और एक पोर्शन कॉनकेव होता है। जो अपर पोर्शन होता है ये कॉनकेव होता है, अपर पोर्शन कॉनकेव होता है, और जो नीचे का पोर्शन होता है वो कॉनवेक्स होता है। नीचे का पोर्शन क्या होता है? कॉनवेक्स होता है। अपर पोर्शन को कॉनकेव क्यों रखा जाता है? जिससे कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। और कॉन्वेक्स लेंस को नीचे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाए। समझ में आ गया बेटा? तो नीचे वाला कॉन्वेक्स इसलिए रखा जाता है कि पास के ऑब्जेक्ट को वो क्लियर देख पाए, और ऊपर वाला कॉनकेव इसलिए रखा जाता है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि प्रेस बायोपिया में कई बार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो पास का क्लियर दिखाई देता है ना दूर का क्लियर दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में पास का क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और आजकल जो है इन दिनों जो डिफेक्ट्स हैं इनको हम सर्जिकल मेथड से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड से इनको करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और डिफेक्ट के बारे में मैं बताऊं, एक होता है एस्टिमेटिज्म। कई बार क्या होता है बेटा, आंखों के अंदर डिफेक्ट इस टाइप का आ जाता है, एस्टिमेटिज्म जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रेट रॉड्स हैं, जैसे ये कोई विंडो है, ये कोई विंडो है, इसमें ये स्ट्रेट ग्रिल्स हैं। जब ये स्ट्रेट ग्रिल्स हमें स्ट्रेट ना दिखाई दे करके जिगजैग दिखाई देंगी, जब जिगजैग दिखाई देती है यानी इस तरीके की लहराते हुए सांप जैसी दिखाई दे, इस तरीके की लहराते हुए दिखाई दे, ठीक है, इस तरीके का, यदि स्ट्रेट रॉड स्ट्रेट नहीं दिखाई देती है, इस टाइप से दिखाई देती है, तो इसका मतलब एस्टेमेटिज्म हो गया है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स की मैंने आपसे बात की। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, पेज नंबर है ये 190, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट एबिलिटी और कैपेसिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। जिसको मायोपिया है, मायोपिया में पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, क्लियर दिखाई नहीं देता, तो बियॉन्ड 1.2 मीटर जो है वो क्लियर देख नहीं पाता है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, मायोपिक आई है जिसमें वो 1.2 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को जो है क्लियरली नहीं देख पाता है। What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? तो मायोपिया है तो कॉनकेव यूज करेंगे, कौन सा? कॉनकेव यूज करेंगे, मायोपिक आई है ना इसलिए कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, तो इसका आंसर कॉनकेव लेंस हो जाएगा,
यानी जिसको आप डाइवर्जिंग लेंस कहते हो, क्योंकि इसमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, डाइवर्जिंग पावर कम हो जाता है, तो कन्वर्जिंग पावर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए, वैसे ही डाइवर्जिंग पावर ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, दोनों ही प्रॉपर होने चाहिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है, तब जाके वो नॉर्मल आई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट? फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर कितना दूरी तक क्लियर दिखाई देता है। नियर पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि वो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, जिस डिस्टेंस तक उस ऑब्जेक्ट को आंखों से क्लियर देखा जा सके, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आइज की बात करें तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आइज के लिए, और फार पॉइंट के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आइज के लिए 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। नंबर फोर क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। जब वो लास्ट रो में कोई बच्चा बैठा है तो उसको ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख पा रहा है, वो क्लियर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? कौन सा डिफेक्ट हो सकता है जिससे चाइल्ड जो है सफर कर रहा है? हाउ कैन इट बी करेक्टेड? भाई ब्लैक बोर्ड है, पीछे की रो में बैठा हुआ है, तो यानी दूर का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अब जब दूर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तो मायोपिया हो गया। अब मायोपिया हो गया तो इसका मतलब उसको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। भाई मायोपिया में पास का क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता। जब बोर्ड भाई पीछे वाला बच्चा है, लास्ट रो में बैठा हुआ है, लास्ट रो में बैठा हुआ है तो बोर्ड तो उससे दूर हो गया ना बेटा, तो जब बोर्ड दूर हो गया तो उसको जो ऑब्जेक्ट है वो बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस केस में उसको मायोपिया हो गया है, और मायोपिया को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो ये इन इनटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात हुई, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, कैसी हमारी आई होती है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस की भी हमने बात की। कल इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म के कारण रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, तो देखिए इन डिफेक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लो जरा। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ह्यूमन आई कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू एकोमोडेशन। भाई अलग अलग डिस्टेंस पर एडजस्ट करना फोकल लेंथ को, ये क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता लग जाना चाहिए आपको, पावर ऑफ अकोमोडेशन में मैंने ये बात बताई थी आपको। अगला है देखिए, जैसे द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ बनाता है इमेज? रेटिना पर बनाता है, सभी बच्चों को पता होगा। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नॉर्मल यंग एडल्ट का नॉर्मल विजन के लिए जो नियर पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। जो फोकल लेंथ को चेंज करने का काम है वो कौन करता है? सीलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस और हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।